एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी देर बाद वीडियो लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम फाइबर ज्वाइंटिंग करेंगे, स्प्लाइसिंग जिसको बोलते हैं। तो जो आप देख रहे हैं मेरे सामने LIU पड़ा है डिजिसोल का, ये है 24 कोर का। तो जो हमारी फाइबर केबल है वो लगभग 6 कोर की है, वो भी डिजिसोल की है और आर्मर्ड वायर है। तो इसको इसमें क्लिंप करेंगे और इसको स्प्लाइसिंग वगैरह करेंगे। तो ये डिजिसोल का ना जो अपना LIU है बड़ा ही पावरफुल है और 24 पोर्ट का है और फुली लोडेड है, इसमें सभी कुछ साथ में ही आता है। तो देखिए कुछ ऐसे दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। इसको इसमें जो क्लिंप वगैरह साथ में आते हैं वो लगा के फाइबर ऑप्टिकल केबल को इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो ब्रेक ना हो पाए और फिक्स रहे, ताकि वो काफ़ी टाइम तक लंबे समय तक चलती ही रहे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि इसका जो क्लिंप है वो उसके साथ लगेगा, पीछे से जो केबल है अंदर आएगी और ऊपर ऊपर का जो इसका ढक्कन है वो साइड में होगा, उसके बाद ये केबल है स्प्लाइसिंग होगी। तो आप नीचे देख रहे हैं जो पोर्ट है ना वो सभी ब्लैक कलर के, वो 24 पोर्ट है अपने LIU के। तो LIU लगाने का बेनिफिट ये है कि हमारी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो काफ़ी ब्रीक होती है, बाल जैसी होती है वो केबल, इस वजह से वो LIU लगाने पे अपना उसकी ट्रेसिंग अच्छी आती है और फाइबर जो है ब्रेक नहीं होती। तभी देखिए कवर हमने निकाल दिया, इसका कवर निकालने के बाद जो केबल है वो इसकी इसमें डलेगी, जो पहला पोर्ट है उसमें डलने। आप यहाँ पे इस पर 3-4 पोर्ट होते हैं, आप किसी में भी डाल सकते हैं। तो हम जो है पहले वाले में डाल रहे हैं ताकि ये केबल प्रॉपर फिक्स हो सके। तो ये कवर हमें निकालना ही पड़ेगा, तो पहले इसको हम क्लिंप में डाल लेते हैं केबल को, उसके बाद ही इसको हम जो है इसमें LIU में लगाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत आती है, तो ऐसी वीडियो को आप लाइक जरूर करें किया करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके ऐसी वीडियो बनाने में। तो अभी क्या करते हैं कि देखिए अभी सेटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो बंदा ज्वाइंट कर रहा है जो फाइबर ऑप्टिकल का, हमने बंदा जो बाहर से बुलवाया था अपनी कंपनी में, तो अभी हम क्या करेंगे इसको इसके साथ ही ज्वाइंट करेंगे लगेगी। तो जो आप जो व्हाइट कलर की देख रहे हो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है, इसमें से कोर निकलेंगे। कोर निकलने के बाद जो हमारी ऊपर कन्वर्टर लगेगा इस लगेगी जो साइड में येलो कलर की है, सभी केबल इसमें स्प्लाइसिंग होने के बाद लगेंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रॉपर कैसे लगाया हमने। ये कन्वर्टर है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इसके कन्वर्टर है अपनी केबल और स्प्लाइसिंग केबल के बीच में ज्वाइंट होगा उसके जो कन्वर्टर हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ पहले बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बोर्ड इसको एक फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ ज्वाइंट करेंगे। मशीन हमने रख ली है ज्वाइंटिंग वाली, देखिए आपके सामने ये मशीन है ज्वाइंटिंग करने वाली। इसके पास जो रखे अपना जो अपना हमने बंदा जो बाहर से बुलाया उस के पास जो मशीन है उससे ये ज्वाइंट होगा। तो ये देखिए पहले सभी जो फाइबर ऑप्टिकल हैं जितने हमने कोर यूज़ करने हैं वो उस हिसाब से हम इसको अपना पूरा क्लिंप करके करके चेक कर रहे हैं भी हमें यहाँ पे कोई किसी कोर में प्रॉब्लम ना हो, जो अपने कोड है ना फाइबर कोड है जो उसमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए सभी में लाइट आ रही है, इट मीन्स ओके है पैच कोड है जो। तो मैं इसमें लगभग हम 6 लगाने वाले थे, पर यहाँ पर हमें जो है कस्टमर ने कह दिया कि इसमें 4 कोर ही लगाना है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो 6 कोर की है, तो इसमें हम 4 कोर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कन्वर्टर लगे हैं वो हम बाकी 2 निकाल देंगे और बाकी निकालने के बाद जो है ना ये हम इसमें अपना फिट कर देंगे, जो कोर है ना इसमें 4 कोर फिट कर देंगे, क्योंकि लगाना तो हमें 6 था पर कस्टमर ने मना कर दिया, इस वजह से हम इसको 6 कोर की जगह 4 कोर लगाएंगे। तो आप इसको देखते रहें, जो कन्वर्टर थे वो 4 कन्वर्टर कर दिए हैं क्योंकि कस्टमर ने कह दिया था कि 4 कोर ही लगाने केबल के, बाकी जो 2 कोर है हमने राउंड करके इसमें रख दिए ताकि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ जाए कोर में तो बाद में इसके हम लगा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मशीन पे हमने रख दिया एक साइड में से कट करके, कट करने के बाद अभी दूसरी साइड में से हम कट करेंगे जो येलो केबल है उसको साथ हम कट करेंगे एक, और कट करने के बाद उसको ना अपना थिनर से साफ़ करने के बाद, कॉटन से प्रॉपर तरीके से साफ़ करने के बाद, उसके बाद हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, मशीन को कमांड दे देंगे कि फाइबर ऑप्टिकल को ज्वाइंट कर दें। तो देखिए हम इसमें कवर डाल रहे हैं ताकि जहाँ पे ज्वाइंट लगे उसको हम हीट करके प्रॉपर कर दें ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए केबल कितनी बारीक है इसकी, बिल्कुल बाल जो हमारा हेयर होता है ना बाल होते हैं उससे भी बारीक ये वायर है।
तो एक सिंगल वायर बिना पावर के आप लगभग 60 से 70 किलोमीटर चला सकते हैं। तो देखिए आप जो सिंगल कोर है, सिंगल कोर 60 किलोमीटर तक चल सकती है। देखिए दोनों तरफ हमने रख दिया, उसके बाद हमने मशीन को कमांड दे दिया और ये अपना जो केबल है ज्वाइंट हो जाएगा। आपके सामने ही ज्वाइंट होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके सामने देखिए अभी ज्वाइंट होगी, देखिए इस डिस्प्ले पे देखिए अब ज्वाइंट हो रही है। अभी लेजर चल चुकी है अंदर, अभी ये ज्वाइंट होकर बाहर निकलेगी। उसके बाद हीटर में रखेंगे जो हमने कैप लगाया था। देखिए अभी ये ज्वाइंट हो चुकी है प्रॉपर। अभी इसको हीटर जहाँ पे ज्वाइंट हो वहाँ पे ये प्लास्टिक लगाने के बाद हीटर में यहाँ पे रख देंगे। देखिए हीटर में रख दिया ताकि जहाँ से ज्वाइंट हुए वहाँ से केबल ब्रेक ना हो पाए। तो इस प्रकार से हमने ज्वाइंट किया, तो सभी केबलें ऐसी ज्वाइंट होगी वन बाय वन। और इसमें जो कन्वर्टर, देखिए कन्वर्टर में ये केबलें ऐसे लग जाएंगी और उसके बाद इसकी ट्रेसिंग हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से अल्लाह जुल्ला की जो फिटिंग इसकी प्रॉपर हो जाएगी। देखिए अभी बाकी जो कोर है, वो बाकी जो कोर है अभी इंस्टॉल होंगे वो सभी। तो अभी देखिए यहाँ पे वो थिनर लगाया और उसको क्लीन किया, डस्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस वजह से वो थिनर बार बार लगा रहे हैं जो भाई साहब ज्वाइंट कर रहे हैं। अभी फाइबर को कट करेंगे यहाँ पे, अभी मशीन में रख देंगे एक साइड में, अभी दूसरी साइड रखेंगे वो ऐसे कट करके, फिर इसको स्प्लाइस कर देंगे। देखिए हमने पूरा ऐसे स्प्लाइसिंग वगैरह करने के बाद ही हमने 4 कोर लगा दिए और ट्रेसिंग भी कर दी। उसके बाद इसका शीशे वाला कवर आता है साथ में एलईडी के, वो भी लगा दिया। बाकी जो कनेक्टर यहाँ पर रखे अभी दूसरी साइड में, सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा और प्रॉपर तरीके से ये फिटिंग हो जाएगी। इसके बाद जो कवर लग जाएगा, इसका कवर लगने के बाद हम इसकी जो है यूज़ कर सकते हैं इस फाइबर ऑप्टिकल केबल को। जो इसके साथ पैच कोड आए हैं वो सामने आगे की तरफ लगेंगे। उसके बाद आप स्विच में लगा सकते हैं, SIP मॉड्यूल में, और मीडिया कन्वर्टर दोनों किसी भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये पैच कोड है जो कि सामने फ्रंट में लगेंगे दोनों। मैं आपके एक बार लगा के दिखाता हूँ, हम ये मीडिया कन्वर्टर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मीडिया कन्वर्टर में ये जाके यहाँ पे लगेगी और उसके बाद ये अपना लगने के बाद ये देखिए ऐसे कुछ लगा, डिजिटल मीडिया कन्वर्टर ये भी ऐसे लगने के बाद एक दूसरा सिरा जो है वो सामने फ्रंट की साइड उसमें लगेगा अपना LIU में, जहाँ पर हमने 4 कोर लगाया है। उसके बाद पावर ऑन हो जाएगी, उसके बाद ये अपना वर्किंग में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।